जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स टू, जिसका नाम है इंडिया टेम्पोररी एंड एजुकेशन। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आज हम लेकर हाजिर हैं फ्रोबेल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक है, और दूसरा है जॉन डीवी, के शैक्षिक दर्शन को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि पिछले क्लास में साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के शैक्षणिक दर्शन को हम लोगों ने देखा था। तो साथ दोस्त, आज चलिए हम लोग चलते हैं फ्रोबेल और जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर इन्होंने क्या बोला है। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर में लिखा है फ्रोबेल के शैक्षिक दर्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रोबेल एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। तो लिखा है शिक्षा जगत में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का जो है अधिक ही बोलाबाला है, अधिक स्थान दिया गया है। बालक को पौधे से तुलना करके फ्रोबेल ने बालक के स्व विकास की बात कही। वह पहला व्यक्ति था जिसने प्राथमिक स्कूलों के अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यानी देखिए, अब इनका कहना है फ्रोबेल का कि जिस तरीके से पौधा होता है, उसी तरीके से एक बालक में भी विकास होती है। यानी कि बालक को एक पौधा से तुलना करके इन्होंने बताया है। जब वह पहला व्यक्ति थे जिसने प्राथमिक स्कूलों में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, यानी कि जो जो है छोटे बालकों से, छोटे बच्चों से एक अमानवीय व्यवहार किया करते थे, एक आदर मान सम्मान वाला व्यवहार नहीं किया करते थे, उनके प्रति जो इन्होंने है आवाज़ उठाई थी और एक नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। वहाँ पे तो विरोध उठाई ही, और साथ ही साथ एक नया एजुकेशन, नई तरह से शिक्षा का प्रतिपादन कैसे हो, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। उसने शिक्षकों के लिए कहा कि वे बालक के आंतरिक शक्तियों के विकास में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। अब जो है फ्रोबेल ने एक टीचर को भी समझाया है कि आप किसी बच्चे को अपने अनुसार उसको पढ़ने के लिए न दें, उसको जिस फील्ड में, जिस एरिया में उसको जाना हो, आप उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, हस्तक्षेप न करें। मतलब उसके रास्ता में आप उसको एक पत्थर नहीं बनिए, बल्कि प्रेम एक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुए बालकों को पूरी स्वतंत्रता दे। उन्होंने कहा है कि इसके बजाय आप क्या करिए, उसको फुल सपोर्ट कीजिए उस बालक को। हाँ, तुम ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। इससे बालकों के अंदर एनर्जी आता है। फ्रोबेल का विचार है कि संसार के समस्त वस्तुओं में विभिन्नता होते हुए भी एकता निहित है। अब इनके अनुसार ये दिखा जा रहा है कि संसार के जितने भी वस्तु हैं उनके अंदर क्या है, विभिन्नता होती है। मतलब अलग-अलग कुछ चीज़ें पाई जाती है, इसके बाद भी वे एकता निहित है। मतलब कि इसके बाद भी वो क्या है, एकता में है। ये सभी बहुत वस्तुएं अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होती है, उस एकता की ओर जा रही है। संक्षेप में फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उस उद्देश्य होने चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है कि सभी वस्तुएं जितने भी हैं, कहीं ना कहीं आंतरिक नियमों के अनुसार, जो उनमें नियम होगा उसी के अनुसार वे विकसित हो पाए होंगे, उस एकता की ओर जा रही है। यानी कि ऐसा हमको एक एकता, एक ऐसा समय दिख रहा है जो उसी खास एरिया में जा रहा है। संक्षेप में फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो चलिए, पहला उद्देश्य है बालक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। यानी कि बालक का व्यक्तित्व, मतलब स्पेशल उसी बालक का एक संपूर्ण विकास होना चाहिए। और दूसरा है बालक का वातावरण एवं प्रकृति से एक, यानी कि बालक जो है उसको समाज से किस तरह से जोड़ा जाए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरा है बालक का आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व है। यानी कि नंबर थ्री में है कि कोई भी बालक का आध्यात्मिक शिक्षा कैसे होगा उसको बताना है। नंबर फोर है बालकों को उनमें निहित दैवीय शक्ति का आभास करना। यानी कि कोई भी बालक है उसको निहित दैवीय शक्ति आभास,
यानी कि बालकों के अंदर ये सिखाना चाहिए कि देखो ये भगवान है, ये चंदा मामू है, ऐसे कैसे करके उनको एक देवताओं की शक्ति से उनको एक इम्प्रेस करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे लिखा है फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जो कि निम्नलिखित है, यानी कि फ्रोबेल ने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत बताया था, उन सिद्धांतों को भी नीचे वर्णन किया गया है। तो इसमें जो पहला सिद्धांत था, पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम यानी कि पाठ जो होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग क्लास का जो अलग अलग उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रमों के विषय में परस्पर एकता समाप्ति होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम यानी कि क्लासेस यानी पीरियड जब चल रहा है तो एक पीरियड की जब जब दूसरी घंटी लगती है, दूसरी पीरियड आती है, तो इसमें जो है बच्चों को एक यूनिटी दर्शाना चाहिए, यानी कि एक एकता जो है फॉलो करना चाहिए। और नंबर थ्री है पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होनी चाहिए, तो पाठ्यक्रम क्रिया जो भी है उस पर आधारित तो होनी चाहिए। अब आगे लिखा है फ्रोबेल अपनी शिक्षण विधि को निम्नलिखित सिद्धांतों पर कहा है। अब देखिए फ्रोबेल ने अपने शिक्षण विधि में यानी कि जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो पहला है आत्मक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है खेल द्वारा शिक्षा के नियमित सिद्धांत, उसके बाद तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, और लास्ट है सामाजिकता का निर्माण, यानी टोटल चार जो है, और टोटल चार चीज़ आप जो है इसको याद करके और अच्छे से समझ के लिखेंगे। फिर इसी के आगे फ्रॉबल भी है और इसी के आगे जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन को देखेंगे कि जॉन डीवी क्या बोल रहा है। इसमें लिखा है जॉन डीवी आधुनिक युग है, जॉन डीवी की शिक्षा की अवधारणा और ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि प्रॉब्लम ने शिक्षा की नीति के अंतर्गत कौन कौन से कौन कौन से सिद्धांत दिया गया है। अब जरा इनके जॉन डेवी के शैक्षिक दर्शन देखते हैं। तो यहाँ लिखा है जॉन डेता है और सत्य बदलता है तथा शाश्वत साथ नहीं जा सकता, यानी कि इसमें जो है बदलता है क्या समस्याएं सत्य, लेकिन शाश्वत कभी सत्य नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है डीवी के अनुसार, यानी डीवी के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों के अपने अनुभवों से जीवन की समस्याओं को समाधान के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि डीवी का ये मानना है कि जो शिक्षा जो है वो जीवन का एक बोल सकते हैं कि समस्याओं का समाधान के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा का लाभ मानव जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनाना है, यानी कि शिक्षा का काम है क्या अलग मन भाव जीव को समृद्ध बनाना और सुखी बनाना। जॉन डीवी के शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, तो इसमें जो है तीन उद्देश्यों का मानना किए हैं। पहला है उद्देश्य में बच्चों का विकास जो कि महात्मा गांधी ने बताया था, प्राथमिकता व्यक्ति एवं समाज का सृजन, की सॉरी प्राथमिकता नहीं है प्रजातांत्रिक, यानी कि जो प्रजातांत्रिक है अपने यहाँ का नहीं है तो दूसरे लोग यहाँ हम लोगों को समाज के सृजन करने में एक तरह का हेल्प मदद करेंगे। और नंबर तीन है भावी जीवन की तैयारी, एक अच्छे जीवन की तैयारी करना होगा। और लास्ट पॉइंट है जॉन डीवी के शिक्षण विधि, यानी कि जॉन डीवी के शिक्षण विधि क्या है। जॉन डीवी अपने शिक्षण विधि में निम्न बातों पर जोर दिया, शिक्षण जो है जॉन डीवी के अनुसार देखा जाए तो जॉन डीवी एक अपने शिक्षण विधि में अलग अलग पक्षों पर जोर दिया, जिसमें पहला है करके सीखना, यानी कि कोई भी चीज़ को आप याद ना करें उसको करने का प्रयास करें। दूसरा है एकीकरण, समाज में एकता बनाकर रखें। तीसरा है बाल केंद्रित पद्धति,
यानी कि छोटे बच्चों को अधिक केंद्रित करना आवश्यक हो जाता है। और चौथा है योजनाबद्ध की पद्धति, मतलब कि आप योजना एक योजना से दूसरी योजना, दूसरी योजना से तीसरी योजना, आप योजनात्मक पद्धति अपना सकते हैं। इस प्रकार जॉन डेवी के अनुसार जॉन डेवी के विचारों को शिक्षा जगत में उत्साह के साथ स्वीकार किया गया।